ये जो पीढ़ी बिगड़ रही है ना, इसका एक बड़ा कारण यही है, दबाव खत्म कर दिया। पढ़ाई के दबाव के बिना कोई बच्चा अच्छा इंसान बन नहीं सकता। ये कितनी बड़ी कहावत नहीं है, अगर तुम्हें कोई देश बर्बाद करना है तो कुछ मत करो, वहां की शिक्षा को बर्बाद कर दो, अगली पीढ़ियां इतनी नालायक होंगी कि उनमें सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी। तुम अगर जो इस क्लास में बैठे हैं, अगर तुम 10वीं में पढ़ाकू थे या मान लो बुद्धू थे, तब भी तुम्हें लगता था कि भैया मुझे पास तो होना ही पड़ेगा। जो पढ़ाकू है वो 90% प्लस के लिए पढ़ा होगा, और जो बुद्धू है वो पास होने के लिए, फिर भी तो पढ़ गया ना। अगर वो उसके ऊपर डर ही ना होता कि तू पास नहीं होगा, तो वो तो पढ़ता ही नहीं, अक्षर ही नहीं देखता। ये अकल तो 12वीं के बाद आती है कि अब मेरा भविष्य क्या होगा, जब बाहर निकलते ना तुम्हारी स्टेज में, कि अब क्या होगा, अब कहाँ से रोटी खाओगे, तब तक वो समय बीत जाएगा। वो ना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो यहाँ तो 12वीं तक खेत चुगती रहेगी चिड़िया, फिर ये जागेंगे कि भैया देश में क्या हो रहा है।